नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉच न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खबर मधेपुरा से। मधेपुरा पुलिस ने उदा किशनगंज अनुमंडल में बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, पुलिस ने लुटेरे की निशानदेही पर कई लूट की बाइक और मोबाइल को भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस की माने तो 18 फरवरी की शाम गश्ती के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार तीन युवक को गिरफ्तार किया, जिसमें एक के पास एक देशी कट्टा और चार गोली बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लोग बाइक लुटेरे हैं, जो पिछले 3 माह से उदा किशनगंज अनुमंडल के विभिन्न थानों में बाइक लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। बता दें कि गिरफ्तार युवक का नाम विशाल कुमार, विकास कुमार और सुमन सौरभ है। इन सभी के निशानदेही पर सोनू कुमार और पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों ने इलाके में 8 बाइक लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके गिरफ्तारी से इलाके में बाइक लूट की घटना में कमी आएगी। जा 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 भीतर जा। कल उदय किशन अनुमंडल में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी लोग लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं पिछले कुछ समय से। इनके पास से तलाशी में एक देसी कट्टा, 4 जिंदा गोलियां मिली हैं, एक मोबाइल फ़ोन मिला है लूटा हुआ। इसके अलावा पिछले ही बिहारीगंज थाना में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन लूटा था, वो भी दोनों बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अरार ग्वालपाड़ा में भी एक मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी, उसको भी सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। ये जो 5 अपराधी हैं, इसमें से 3 अपराधी ग्वालपाड़ा के ही हैं और इसमें से इनफैक्ट 5 के 5 ये ग्वालपाड़ा के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि पिछले कुछ समय में इन्होंने लगभग 8 लूट की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। ये सभी लूट की घटनाएं अज्ञात पर दर्ज हुई थी, इनका कन्फेशन लिया गया, इन सभी को उसमें रिमांड पर लिया जाएगा। इन 5 अपराधियों का जो इतिहास है, अपराधी का इतिहास है, वो हम लोग अपने जिले में भी और आसपास के जिलों में भी पता कर रहे हैं। इसमें शुरुआत हुई थी, विशाल कुमार नाम का अपराधी उसकी गिरफ्तारी से, तो पूछताछ में हम लोग को ये अहम सुराग मिले थे। उसी समय इसमें फौरन एसटीपीओ उदय किशन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम में एसएचओ ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, पुरैनी और आरआर भी शामिल थे। इस टीम ने बड़ी सफलतापूर्वक 2 दिनों के अंदर इन सभी को गिरफ्तार किया और कड़ाई से इंटरोगेशन किया और लूटी गई जो बाइक थी और मोटरसाइकिल थी उसको रिकवर